नेपाल में कोरोना से थप 10 जने की मृत्यु, 1573 नया संक्रमित, कोरोना से 20 लाख से ज्यादा की मृत्यु हो सके WHO के कहना। प्रदेश दू सहित और जगह में फिर भारी वर्षा के संभावना, रोहतहट में महेश तिवारी पति पत्नी ऊपर आक्रमण कैल, आरोप में थप 2 जने गिरफ्तार। भारत के पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह के निधन, IPL में कोलकाता नाइट राइडर्स के पहल का जीत। नमस्कार, बारा जिला के सिमरौनगढ़ स्थित रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com हमारे पात्रों में दुनिया भर के साथ प्रसारण हो रहा बादल खबर में स्वागत करता हूं, हम नूर आलम बादशाह। अब खबर विस्तार में। कोरोना वायरस के संक्रमण से नेपाल में थप 10 जने की मृत्यु भइल बाटे। आज स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर जागेश्वर गौतम से पिछला 24 घंटा में देश भर 10 जने कोरोना संक्रमित के मृत्यु भइल बताइनी। इस संगे कोरोना संक्रमण से मृत्यु होखे वाला के संख्या 477 पुगल बाटे। नेपाल में एक दिन 1573 संक्रमित बढ़ल बानी। इस संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 73394 पुगल बाटे। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय से नियमित पत्रकार सम्मेलन करत दिहल जानकारी अनुसार नेपाल में कोरोना से एक दिन 10 जने जान गंवा चुकल बानी। इस संगे जान गंवा वाला के संख्या 477 पुगल बाटे। एक दिन 885 जने कोरोना से जीत हासिल कर बनी। नेपाल में कोरोना के जीत के ठीक होखे वाला के संख्या 53898 पुगल बाटे। अभी नेपाल में 19019 जने में सक्रिय संक्रमण रहल बाटे। अभी देश भर 19019 जने आइसोलेशन में बा, लोग त 6281 जने क्वारंटाइन में बा। नेपाल प्रहरी में कोरोना वायरस संक्रमित के संख्या 4000 के पार पुगल बाटे। अभी तक देश भर 4105 जने में कोरोना संक्रमण पुष्टि भइल। प्रहरी प्रवक्ता SSP कुमार कडा जानकारी देले बानी, जौना मध्य 2234 जने डिस्चार्ज भइल बानी। अभी 1871 जने सक्रिय संक्रमित रहल बानी। काठमांडू पत्रिका में मात्र 692 जने सक्रिय संक्रमित बानी। ऐसे ही प्रदेश नंबर एक में 162 जने सक्रिय संक्रमित बानी। प्रदेश दो में 158 जने, बागमती प्रदेश में 124 जने, गंडकी प्रदेश में 156 जने, प्रदेश पाँच में 153 जने, कर्नाली प्रदेश में 55 जने, या सुदूर पश्चिम प्रदेश में 80 जने सक्रिय संक्रमित रहल। प्रवक्ता कडायत बतैनी। नेपाली सेना में कोरोना वायरस संक्रमित के संख्या बढ़त गई बाटे। अभी तक 2224 जने में कोरोना संक्रमण पुष्टि भइल। सैनिक प्रवक्ता संतोष बल्लभ पौडेल जानकारी देनी, जवाना मध्य 564 जने डिस्चार्ज भइल मानी, तो 2 जने की मृत्यु भइल बाटे। क्वारंटाइन आइसोलेशन संक्रमित के सब व्यवस्थापन लगायत में सेना सक्रिय रहत आइल बाटे। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO कोरोना वायरस COVID-19 के कारण 20 लाख से ज्यादा लोग की मृत्यु हो सके के जानकारी दिले बाटे। COVID-19 विरुद्ध के प्रभावकारी खोप प्रयोग में आवेला अवधि तक मृतक के संख्या 20 लाख के पार हो सके के संगठन जनेले बाटे। WHO के आपातकालीन मामला प्रमुख डॉक्टर माइक रैन से अंतर्राष्ट्रीय सहकार्य में न भइला में मृतक के संख्या उससे ज्यादा हो सके के दावी कैनी। माइक रैन के अनुसार अभी के गति कायम रहला पर सुई तैयार होके से पहले ही थप 10 लाख लोग के मृत्यु होके के संभावना उच्च रहल बाटे। वायरस के इलाज पद्धति में सुधार आ रहला के कारण पिछला समय में मृत्यु दर घट रहल वहाँ के कहनाम रहल बाटे। सन 2019 के दिसंबर में चीन के वुहान से देखा पड़ल COVID-19 से विश्व भर अभी तक करीब 993,000 जने जान गंवा चुकल बा। पश्चिमी निम्न चापीय प्रणाली के प्रभाव से आज प्रदेश नंबर 1 और 2 के कुछ स्थान में भारी वर्षा के संभावना रहल जात तथा मौसम विज्ञान विभाग जानकारी दिल बाटे। भारत के बिहार में बनल न्यून चापीय क्षेत्र उत्तर पूर्व में जाय वाला भइला से आज प्रदेश 1 और 2 के कुछ स्थान में भारी वर्षा के संभावना रहल। मौसमविद समीर श्रेष्ठ बताइनी, ई वर्ष मानसून अक्टूबर के पहलका हफ्ता से विदा होके कि मौसमविद के अनुमान रहल बाटे। अभी प्रदेश 1 में पूर्ण बदली रह के बाकी प्रदेश में सामान्य बदली रहल बाटे। रात के प्रदेश नंबर 1 बागमती या गंडकी प्रदेश में सामान्य बदली रह के बाकी प्रदेश में आंशिक बदली रह के 1 और 2 जगह में हल्का वर्षा के संभावना रहल। मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जानले बा। रौतहट में महेश तिवारी पति पत्नी ऊपर आक्रमण कैल, आरोप में थप 2 जने के प्रहरी पकड़ाव कैले बाटे। इलाका प्रहरी कार्यालय के अनुसार घटना में संलग्न रहल अभियोग में राम इकबाल मुखिया बीन आ उनकर एक जने कुटुम्ब पकड़ाउ पड़ल बानी। बीतल ये सुख के रात तेज हथियार प्रयोग करके अंधाधुन आक्रमण करने पर देवाही गोनाही 5 टिकुलिया के महेश तिवारी के दंपति मध्य श्रीमती के मृत्यु भइल रहे। प्रहरी के हत्या में संलग्न रहल आरोप में
बली मुखिया बीन के पकड़ाव कैले रहे। जिला प्रहरी कार्यालय रौतहट प्रमुख SP सिद्धि विक्रम शाह से संघातिक आक्रमण करे वाला के अन्य के खोजी हो रहा बतैनी। कुछ महीना पहले गांव में रास्ता के विषय के लेके स्थानीय स्तर में विवाद भइल, आ उहे विवाद अभी के अवस्था में आप उगल प्रहरी अनुसंधान से खुलल बाटे। सरलाही में अपने खेत में जमल पानी में डूब के एक जने की मृत्यु भइल बाटे। सरलाही के मलंगवा नगर पालिका 6 सुखैनिया टोल के 50 वर्षीय चंद्र किशोर पासवान के अपने खेत में जमल पानी में डूब के मृत्यु भइल बाटे। जिला प्रहरी कार्यालय सरलाही के अनुसार घर से 500 मीटर दूरी में रहल खेत में पानी देखे गईल काल सझिया पासवान पानी में डूब के मृत अवस्था में मिलल रहनी। चितपुर सिमरौ महानगर पालिका वार्ड नंबर 10 में राष्ट्रीय जनता समाजवादी पार्टी के 30 जने कार्यकर्ता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा में काल प्रवेश कैले बाटे। नेकपा वार्ड कमेटी के आयोजन में सिमरा में संपन्न पार्टी प्रवेश कार्यक्रम में जसपा से निर्वाचित वार्ड सदस्य सहित 30 जने नेकपा में प्रवेश कैले बा लोग। नेकपा के नेता टेटे महतो के अध्यक्षता में संपन्न पार्टी प्रवेश कार्यक्रम में नितनपुर टोल के 14 तथा बोहेरा टोल के 16 जने करके समाजवादी पार्टी के 30 कार्यकर्ता पार्टी प्रत्याग करके नेकपा में प्रवेश कैले बा लोग। नेकपा के 12 जिला सांसद इंचार्ज तथा प्रदेश 2 सभासद ज्वाला शाह के प्रमुख अतिथि में कार्यक्रम संपन्न भइल रहे। पार्टी प्रवेश कार्यक्रम के संबोधन करते समय इंचार्ज शाह जनता के चाहना अनुसार के काम करे वाला पार्टी नेकपा ही रहल दावी कैले बानी। पिछला समय नेकपा के जीत के क्षेत्र में रास्ता के साथ साथ अन्य के विकास कार्य बढ़िया भइल, लेकिन ओकरा गलत प्रचार करके नेकपा के बदनाम करावे के कार्य हो रहल वहाँ के बतैनी। कार्यक्रम में नेकपा के नेता सब दिनेश राय, सुंदर बिका, राजन पौडेल, देवनारायण चौधरी, कमलेश झा, कृष्ण खन्ना लगात के उपस्थिति रहल रहे। भारत के पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह के 82 वर्ष की उम्र में निधन भइल बाटे। सिंह के आज सवेरे 82 वर्ष की उम्र में निधन भइले भारतीय संचार माध्यम सब जनले बाटे। विगत 6 वर्ष से सिंह बीमार रहत आयल जनावल गल बाटे। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सिंह के निधन में दुख व्यक्त कर श्रद्धांजलि दिले बानी। सिंह भारत के सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य मध्य एक बानी। 5 बेरी राज्यसभा आ 4 बेर लोकसभा सदस्य में निर्वाचित भइल सिंह भारत के अर्थ, विदेश और रक्षा मंत्रालय के जिम्मेवारी संभालले रहनी। इंडियन प्रीमियर लीग IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स सनराइजर्स हैदराबाद के 7 विकेट से हराले बाटे। बीतल रात भइल खेल में हैदराबाद से धीरे 143 रन के लक्ष्य से कोलकाता 18 ओवर में मात्र 3 विकेट गवा के पूरा कैलक। कोलकाता के जीत में शुभम गिल अभिजीत रहत 70 रन के अर्धशतक इनिंग खेलनी। ऐसे ही यान मोर्गन अभिजीत 42 रन बनैनी। ऐसे ही IPL में आज रात 7:45 बजे राजस्थान पंजाब के बीच खेल होगी, जगह सीधा प्रसारण रेडियो बादल 89.1 MHz पर सुनल जा सकता। अब मौसम संबंधी जानकारी। रेडियो बादल 89.1 MHz द्वारा मापन कैल गए अनुसार सिमरौनगढ़ लगात आसपास के क्षेत्र के अभी के न्यूनतम तापक्रम 31 डिग्री सेल्सियस रहल बा। ऐसे ही आज सवेरे 28, दोपहरिया 32 डिग्री सेल्सियस रहा है, तो आज रात में 26 डिग्री सेल्सियस तापक्रम रहे अनुमान कैल गए बाटे। ऐसे आज सवेरे 5:55 में बेर उगल रहे, तो साझिया 5:55 में ही बेर डूबल बा। आज के खातिर बादल खबर इतने, जाते जाते प्रमुख खबर एक बेर फिर से। नेपाल में कोरोना से थप 10 जने की मृत्यु, 1573 नया संक्रमित कोरोना से 20 लाख से ज्यादा की मृत्यु हो सके के WHO के कहना। प्रदेश 2 सहित और जगह में फिर भारी वर्षा के संभावना। रौतहट में महेश तिवारी पति पत्नी ऊपर आक्रमण कैले आरोप में थप 2 जने गिरफ्तार। भारत के पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह के निधन, IPL में कोलकाता नाइट राइडर्स के पहलका जीत। 12 जिला के सिमरौनगढ़ स्थित रेडियो बादल 89.1 MHz तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com आ हमारे पात्र में दुनिया भर के साथ प्रसारण हो रहा बादल खबर से प्राविधिक मित्र रुस्तम सहित हम नूर आलम बादशाह के विदा दी। नमस्कार।